गाइस, मैं हूं प्रीति और आज आपके साथ में बहुत ज्यादा बढ़िया आपके लिए ईयरली रीडिंग लेकर आई हूं। ओके, तो ईयरली रीडिंग में हम काफी ज्यादा बातें जानेंगे, आपकी सेहत, आपकी आपकी लाइफ में पैसे कैसे होने वाले हैं इस साल के लिए, स्पेशली रिलेशनशिप, रिश्ते नाते कैसे होने वाले हैं, लाइफ पार्टनर के साथ वाला रिश्ता कैसा होने वाला है, करियर में कैसे आप चलाएंगे अपना, अपनी जो गाड़ी है वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, और स्पिरिचुअलिटी। तो ये छह अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी सेहत के साथ। ओके, हेल्थ के लिए अगर हम देखने जाएं तो काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि भाई हेल्थ को भाई कैसे सुधारें, तो यहां पर बिल्कुल साफ और क्लियर आंसर दिया गया है, यू टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ। अपनी सेहत को अपने नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे भाई वो कैसे करना है? ओके, सी, कई बार लोगों को लगता है कि भाई बॉडी तो है जो गॉड ने दिया है, तो हम क्या करेंगे हेल्दी रहने के लिए। बॉडी डेफिनेटली आपको आपके गॉड ने दिया है, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए आपको शरीर को हेल्दी रखना भी जरूरी है। तो वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहला है कि सेहत को नियंत्रण में लेना है, अपने खुद के कंट्रोल में लेना है। आपको पता है कौन सी चीजें आप खाते हैं जिसके बाद आपका शरीर खराब होता है? ओके, आपका हेल्थ खराब होता है, आपको कुछ अच्छा महसूस नहीं होता था, ऐसी सारी चीजें नहीं खानी है। ओके, दूसरा, काफी अच्छा और हेल्दी खाना खाना है। यहाँ पर देखो इस बंदा, ये जो राजा है, इसको फ्रूट खाते हुए दिखाया गया है, तो काफी ज्यादा फ्रूट्स खाना है इस साल। और जितना हो सके उतना जो पाबंदियां जो है, रेस्ट्रिक्शंस जो है, वो सारे फॉलो करने हैं। ओके, तो मतलब जो भी हेल्थ के लिए जो भी सारी पाबंदियां बताई गई कि भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो सारी चीजें अवॉइड करनी है। और हो सके उतना घर में रहिए, लेकिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। घर में रहकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, घर में जितना रह सकते हैं रहिए, आराम जितना करना, जब भी जरूरी लगे तब जरूर करना चाहिए। ओके, और मन को शांत रखना है। ओके, मन को शांत रखना है हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ओके, दूसरी बात, अब मनी को सुधारने के, लाइफ में मनी कैसे रहेंगे इस साल, तो इस साल के लिए देखो सबसे पहले हमारे पास ये फूल का कार्ड है। फूल मतलब कि जो नई शुरुआत कर रहा है। हो सकता है कि आपके पास जितने भी पैसे थे शायद आपने खर्च कर दिए, पता नहीं कहीं पर चले गए, या फिर आपको पैसे के लिए नई शुरुआत करनी पड़ सकती है इस साल। तो हो सकता है कि ये किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना भी हो सकता है, छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करना हो सकता है ये साल। ओके, उसी के साथ साथ देखो यहाँ पर बताया गया है कि पैसे के रिलेटेड कोई बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क भी लेना आना चाहिए। रिस्क ऐसे नहीं कि आपको पता है कि आप गड्ढे में गिरने ही वाले हैं, ऐसा रिस्क नहीं। रिस्क मतलब कि हो सकता है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट कोशिश करनी है कि आप गलत कदम ना उठाएं। ओके, तो वो हो गया आपका पैसे का एरिया। अब देखते हैं कि आपके रिश्ते कैसे होने वाले हैं, लोगों के साथ, रिश्ते नातियों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कैसा रिश्ता आपको रखना है इस साल। तो ये साल है कि जहां पर आपको काफी ज्यादा लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे? बातें करके। ओके, बातें करके इंसान कनेक्ट होता है दूसरे इंसान के साथ, तो बातें कीजिए लोगों के साथ, अपने विचार शेयर कीजिए, बहुत बढ़िया बात होती है। और ऐसे कोई फालतू, मतलब फालतू वाले विचार नहीं, अच्छे अच्छे ऊंचे क्वालिटी के विचार शेयर कीजिए लोगों के साथ। जब आप ऐसा करते हैं तो पर्सनल लेवल पर आपका ग्रोथ होता है। ओके, तो ये चीज करना है, लोगों के साथ बढ़िया बढ़िया विचार शेयर करना है। ओके, अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है, तो ये करना जरूरी है। आप जिस भी लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं उनके साथ, अब आप कहेंगे अरे हम क्या करें अगर हमने बात नहीं की, तो भाई देखो अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि कोई उस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकते हैं। हर एक रिश्ते के लिए काम, उसके पीछे काम करना, वहां पर कम्युनिकेशन चालू रखना बहुत जरूरी है। अगर आप रिश्ते में किसी के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं और उनके साथ बात ही नहीं करते हैं, तो फिर ज्यादा देर तक वो नहीं चलेगा रिश्ता। ओके, सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उनके साथ बात कीजिए। ओके, फिर लव लाइफ, आपका पार्टनर के साथ रिश्ता कैसा रहेगा इस साल,
तो इसके लिए सबसे पहले ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ओके, अगर आपके पास आपका पार्टनर है, आप शादीशुदा है या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी है, जो भी है, उनके साथ आपको घूमने जाना, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ वेकेशन पे जाना जरूरी है। अब ये लोगों को लगता है भाई, मतलब पार्टनर ही तो है, वाइफ ही तो है, घर में ही तो है, उसको क्या बाहर लेकर जाना, पूरे देर तो हम साथ में रहते हैं, तो उसके साथ क्या बाहर बाहर समय बिताना, जो घर में समय बिता सकते हैं वही तो बाहर ही बिताएंगे। भाई ऐसा नहीं है, अगर आप बाहर जाते हैं पार्टनर के साथ, घर में क्या होता है कि आपका एक स्टैग्नेंट एनर्जी बन गया होता है, स्टैग्नेंट एनर्जी बन जाता है, आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, और वहां पर आपका बिहेवियर का एक पैटर्न बन जाता है कि जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए अगर आप बाहर जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि करोड़ों रुपए स्पेंड करके, करोड़ों रुपए खर्च करके वर्ल्ड टूर पर जाओ, भाई सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वहां पर आप क्या कीजिए, आपके पास में ही कोई जगह है घूमने लायक, वहां पर जाकर रहिए, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अपना पैटर्न ब्रेक करना जरूरी है, कंफर्ट जोन के बाहर जाना जरूरी है। वहीं पर जब आप जाएंगे तो आप ज्यादा फोकस करेंगे कि हाँ भाई पार्टनर के साथ आए हैं, चलो भाई बात करो, घर में ही है तो चलना यार, वाइफ यहीं पे तो है, कल बात कर लेंगे, ये होता है। ओके, तो इसीलिए आपको पार्टनर के साथ बाहर कहीं पर जाना, वेकेशन में टाइम स्पेंड करना जरूरी है, ठीक है? और अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको घूमना फिरना, नई जगहों पर जाना जरूरी है, ताकि वहां पर जाकर आप नए लोगों से मिल सके। ओके, जब आप जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो वहीं पर आपको राह में भी आपको कोई ना कोई साथ में मिल सकता है, कंपेनियन। ओके, ये एक चीज है। उसी के साथ आपको एक बात बताऊं, अभी प्रेजेंट, अभी की जो हाल, जो सर्कमस्टांसेस है, जो प्रेजेंट के जो हालात है, उसमें आपको अगर मैं बताऊं भाई बाहर जाकर घूमो, तो अगर भाई सोशल रेस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन हो गया है, तो भाई घर में रहो। ओके, जब चांस मिलता है, जब चीजें आसान हो जाती हैं, घूमना आसान हो जाता है, तब जाओ, ठीक है? चलिए अब देखते हैं आपके करियर में आपको क्या करना जरूरी है। तो सबसे पहला ये कार्ड हम देखते हैं, ये कार्ड बताता है कि आपको अब करियर में, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, फ्रीलांस जो भी करते हैं, अब जितने पैसे कमाते हैं, ओके, जितने पैसे आप कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा आप काम करो, उससे कहीं ज्यादा आप हाई वैल्यूएबल, हाईली वैल्यूएबल कुछ भी है, ऐसा काम करो, ऐसा काम दो। ओके, तो वो जरूरी है, दैट इज फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज ये है कि यस सी, अब ऐसे अगर आप बैंकिंग वाले प्रोफेशन में हैं तो ये अलग बात है कि आपको वहां पर काफी ज्यादा कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू वाला पैकेज ऐसा कुछ देना पड़ सकता है, लेकिन वट एवर दैट इज, किसी भी तरह के काम में आप है, जो आप पाते हैं, जितनी सैलरी आप पाते हैं, जितने पैसे आप कमाते हैं, उससे कई ज्यादा चीजें, उससे कई ज्यादा हाई वैल्यूएबल नॉलेज, हाईली वैल्यूएबल आप अपनी सेवा दो लोगों को। ओके, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है कि आपके कस्टमर जो भी है, आप काम जहां पर करते हैं वहां पर आपके जितने कलीग्स हैं, उनके साथ आप बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाए रखो इमोशनली। चांसेस है कि आप बहुत ज्यादा परफेक्शन एक्सपेक्ट करें, अरे यार ये बंदा है उसको ऐसा ही करना चाहिए, ये बंदा है इसको ऐसे ही करना चाहिए, उसका बिहेवियर ऐसे ही होना चाहिए। तो वो चीजें देखो, आप अपने हिसाब से जैसा सोचते हो वैसे आप लोगों को बना नहीं सकते हैं, और इसीलिए लोग जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करना सीख जाइए। ओके, दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। करियर की जगह पर स्पेशली जहां पर काम करते हैं वहां पर इमोशनली लोगों को समझना सीख जाइए, कस्टमर्स को भी, अपने कलीग्स को भी, अपने बॉस को भी। ओके, अगली बात देखते हैं, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आध्यात्मिक लेवल को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ये कार्ड बताता है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन, काफी ज्यादा आपको एक तरह से बंधा बंधा सा फीलिंग हो सकता है, आप आप जैसे आप घुटन सी महसूस हो रही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो वो है कि आपको क्रिएटिवली, ओके, क्रिएटिवली मतलब कुछ भी क्रिएटिव करके, कुछ भी सृजनात्मक करके उससे पैसे कमाने हैं, उससे किसी को देना है,
आप कहेंगे कम ऑन, ये करियर का रीडिंग थोड़ी है, ये मनी का रीडिंग थोड़ी है, ये तो स्पिरिचुअल रीडिंग है, इसमें कहाँ से पैसे और यू नो क्रिएटिव कुछ करना आ गया। सी दिस इज अ टेलर मेड थिंग फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिकली उपाय बताया गया है कि क्या करने से आपको जो भीतर से घुटन महसूस होती है वो नहीं महसूस हो सकती है। ओके, तो आपको क्रिएटिविटी, सृजनात्मक आपकी शक्ति यूज करके किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ बेचना है, कुछ सेल करना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ सकती है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए इस साल भर के लिए गाइडेंस। इस वीडियो को डेफिनेटली सेव करके रखिए, बिकॉज साल में काफी बार आपको वापस रेफर करना पड़ सकता है। ओके, और ये सीरीज के जो सारे वीडियोस है, साल के जो रीडिंग्स वाले सारे वीडियोस है, उन सभी वीडियोस को आप लोगों के साथ जितना हो सके उतना बांटिए। ओके, बिकॉज सबको ये नॉलेज, सबके पास ये उपाय होने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो सबके साथ ये सारे वीडियो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। Thank you.